थैंक यू। प्रमोशन कितना सिखाने वाला होता है, एक ही बात को अंदर लोगों को अलग अलग तरीके से कहना, हम ये किरदार निभा रहे हैं, हम ये किरदार निभा रहे हैं। यू नो मुझे लगता है कि अगर आप इंजॉय करो ना तो फिर आप थकते नहीं हो। और ज़्यादातर मैं अकेले इंटरव्यूज करती हूँ, पर जब साथ में जैसे आज मलिष्का और नेहा है, कल मानव थे, तो मज़ा आता है, यू नो, बिकॉज एक दूसरे से बात होती है, मस्ती होती है इंटरव्यूज करते करते। एंड आई रियली लर्न टू एंजॉय प्रमोशंस, नहीं तो आप मर जाओगे। आई फील द सेम वे, बट आई जस्ट फील कि यू नो क्योंकि हम अपनी फिल्म के बारे में इतनी बात करते हैं, एंड आई थिंक इट्स जस्ट द नेचर ऑफ इट जैसा है। और हम लोग आपके जरिए, बिकॉज वी कांट गो टू ऑल द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु एक्चुअली वी वांट टू इनवाइट, बट दिस इज़ आवर इनविटेशन, सो थ्रू यू ऑल। तो जब किसी को इनवाइट करते हैं तो बहुत ही आदर और प्यार के साथ और सम्मान के साथ इनवाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड देन फाइनली व्हेन द पार्टी हैपेंस वी विल सिट बैक एंड एंजॉय। ओके, बातें करते करते कई चीज़ें सामने आई ना, आई वाज यू नो हियरिंग एवरीथिंग। एंजल की क्या स्टोरी है नेहा, वो जानना चाहूँ। किसकी? एंजल। यस, शी गेव यू समथिंग? यस, सो विद्या आई स्टिल हैव द एंजल विद मी, मेरे वॉलेट में हमेशा रहती है। और विद्या नहीं, एंजल, बट आई विश या विद्या और विद्याज क्रेडिट कार्ड वॉज इन माई वॉलेट, बट दैट्स नॉट ट्रू। बट शी वॉज, प्लीज साइलेंस। सो या आई इट वॉज वेरी स्वीट ऑफ हर। उस वक्त हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते नहीं थे, आई मीन वी मेट सोशली और वी ऑल नो अबाउट ईच अदर, but I kind of started getting close to Vidya, and then she finally came and she called me and she said, I've got something for you, and she was like, pick one, and she gave me this beautiful white looking angel, and there was this brown looking angel. I picked up the brown one, it was gorgeous, aur unhone mujhe kaha ye rakh lo, sab theek ho jayega. Not to say things weren't okay, but she kind of like preempted, and she, and then it was one thing to another, and she's very concerned about the fact. And she takes it upon herself, and she takes it very personally that I'm single. So she's like, "Nahi ho hi nahi sakta. Like, how is it possible that you're single and I'm going to be?" Itni khoobsurat ladki. Single. No. I tried matchmaking. No. But I failed. I know. And this I realized she doesn't need me to matchmake her. You know. Can I please answer this question? I want to. I want to tell everybody, and I'm sorry this question is for you, Vidya, but I want to tell everyone. Vidya is by far the worst matchmaker you see, because suddenly you'll be like, ye ladka acha laga? She's like, and before you can answer, and mostly my answer will be no, because on the outside I may look all cool and all, I'm very conservative, but I'm just like, and she's like, come here, one second, and wo aake baith jata hai. Sidna bijli ka phodo. Acha theek hai, main chai pi ke aati hu. And she'll move like 3 steps away and she'll be like, nice, huh? No, you don't. She has no skill. So, you know, like, it's okay. Like, her giving me an angel just to make me happy is fine. But then dawning upon me, and she's just like anything but an angel when she tries to match me. बहुत सर आप पूछो मत, इन किन का मसला है, शी बी लाइक आपसे ही इज आल्सो सिंगल, लाइक दिस इज हाउ शी मैच मेक्स। बट ऐसे ही तो जानना चाहती थी लड़कों को दिखा के कि इनका टाइप क्या है, पर समझ में नहीं आया। जिसको दिखाती वो कहती कि कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, नो नो इट वाज अ लाइक शी हैड हर ओन सेटिंग। देखा, जब खुद से कुछ नहीं होता मेरे बारे में बोलते रहो। ओके, मैं तो यू नो बस इज रियली पॉजिटिव राउंड ऑफ फिल्म, चाहे वो प्रोमो की बात हो, डू यू थिंक द हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन। एक बार टीजर को लोग पसंद करने लगते हैं, नहीं टीजर और टीजर और का फेस ऑफ द फिल्म, एक बार उसको पसंद करने लगते हैं लोग, आपको आदि जन जीती जाते, डू यू एग्री विद दिस? और स्टिल वेटिंग फॉर द फ्राइडे? No, of course waiting for the Friday, because actually जब लोग फिल्म देखते हैं तभी real reactions मिलते हैं, पर हाँ the first step has been received very well, which is the teaser and the trailer, even the songs, Banja Tu Meri Rani Toh Jaise, it's become a rage, which is great, you know, that's what keeps us going through the promotions. जब इतना positive response मिलता है तो हमें लगता है कि you know let's try and tell more and more people that our film's releasing on the 17th of November, but of course Friday is आपको नहीं लगता कि जितने रियल आरजे हैं उन सबका जॉब आप
मैं आरजे की एक्टिंग कर सकती हूँ, पर ये जिस तरह से बोलते हैं ना, ये बहुत बोलने से पहले ऑन द स्पॉट सोचते हैं, दे लिटरली थिंक ऑन देयर फीट, और उनके पास हर सवाल का जवाब होता है, और नहीं भी होता तो ऐसे जताते हैं कि होता है, कि किसी तरह उलझा के आपको कंफ्यूज करके वो छोड़ देंगे, पर हाजिर जवाब है आरजेस, और यू नो दे हैव टू हैव दिस एनर्जी ऑल द टाइम, वो थके हुए हो, तबीयत खराब हो, फिर भी हमेशा उनकी एनर्जी हाई होती है. आई थिंक इट्स अ वेरी टफ जॉब. आई डोंट थिंक उनको मुझसे कोई खतरा है. That's why I'm the perfect choice for this role, you see. लेकिन I think अब हर जगह साड़ी वाली भाभी की डिमांड ज़्यादा होने वाली है. लेकिन आप तो साड़ी पहनते हैं. मेरी स्पॉट किया. What क्या बात कर रही हूँ? वो मेरे वीडियो में नहीं देखा मुंबई. अच्छा. नहीं पहनी थी उसने. नहीं पहनी थी साड़ी. मगर मैं विद्या से बहुत कुछ सीख रही हूँ. उनमें से एक साड़ी पहना वो बहुत इजीली कैरी करती हूँ. इनफैक्ट उनके पास एक अलादीन की गुफा है जिसमें बहुत सारी साड़ी बताया. हाँ तो वो वाला सीन है. मगर पिक्चर में मुझे लगता है रेडियो एक बार फिर से हीरो बन जाएगा इन अ वे. और हमारी हीरोइन तो है ही, और हीरोइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस फिल्म जो आप देखेंगे, इसके जो भी इसको देख रहा है ना, वो एक तो हंसते हंसते बाहर आएगा मुझे, पर मुझे लगता है कहीं पे कोने में इन सब चीज़ों के साथ आपको ऐसी पॉजिटिविटी महसूस होगी कि ऐसी औरत एग्जिस्ट करती है. और अगर वो विद्या बालन जता रही, इट्स वेरी यू नो रिलेटेबल, तो शायद मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, शायद मैं भी सपने देख सकती हूँ, शायद मैं भी आई एम नॉट नेसेसरली टू बी एन आरजे बट वॉट एवर इट इज मे बी आई कैन डू इट. आई रियली लव दैट अबाउट दिस फिल्म. आई थिंक सुरेश त्रिवेणी जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने जिस तरह से कहानी लिखी है, यू नो कोई भी इससे रिलेट कर पाएगा. और ये एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, और ज़्यादातर भारत जो है मिडिल क्लास में ही रहता है, मतलब मिडिल क्लास ही है. तो आई थिंक इट्स वेरी, और सबकी सबके ड्रीम्स होते हैं, सबके एस्पिरेशंस होते हैं. सडनली आपको ये लगेगा कि हाँ, अगर इस तरह की औरत जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह का जॉब कर सकती है, और अपने परिस्थिति में वो खुश रह सकती है, तो शायद मैं भी कर सकती है. नहीं जी, आप बताइए, आप तो सबकी मतलब बॉस है कि ये कंटेंट चाहिए, ये चाहिए, साड़ी वाली भाभी चाहिए, सब कुछ है. तो बताइए कि सबका बॉस बन के कैसा रहा आपका ये, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट आपको फिल्मों में डिफरेंट डिफरेंट किरदार देखते हैं, लेकिन इस फिल्म में आप एक सबकी बॉस है. जो किरदार मैं निभा रही हूँ और जो सुल्लू है, दे आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. सो शी इज जस्ट फैसिनेटेड बाय सुल्लू की, यू नो फॉर हर इट्स लाइक, अपनी जैसी लड़कियां मैं बहुत देखती हूँ, पर इनकी जैसे ये जो साड़ी वाली भाभी लेट नाइट शो, सो शी इज ट्राइंग टू मेक दिस कॉन्ट्रास्ट कम टुगेदर एंड मर्ज दीज टू वर्ल्ड्स टुगेदर. तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एंड यू नो लाइक दे से एन आइडिया इज वर्थ अ मिलियन बक्स. उसके बाद आप जो उसके साथ करें, सो देयर यू गो, दोज आर माई मिलियन बक्स. उसके बाद जो होता है फिर आप वो फिल्म में देखेंगे. No, there was only one boss. Pretend me. Oh, you. We both pointed to each other. ये इन दोनों की कुछ अपना, there's some side track, college track, पता नहीं क्या इनका चलता रहता है. And then बगला बगला देखी, फाका, पता नहीं क्या मराठी में बोलेंगे. आज मैंने उनको सिखाई मराठी में कैसे अपने फिल्म के बारे में बोलना. एक बार बताओ ना, 17 नवंबर मैंने कितने अच्छे से सिखाया. 17 नवंबर ला. 17 नवंबर ला. तुम्हारी सुलू. बगायदा. फक्त स्त्रिया साठी नाही आहे, सगळ्यां साठी आहे. I'm going to just give the introduction to your answer.
I have loved the choices that Vidya has made, the cinema she has done, the contribution that she has. And standing there all by herself, kaam se kaam karke aage badho. It's really spectacular. Or for me, the incentive was, of course, you know, Suresh's script. Ek cheez wo hoti hai, dusra ek hota hai, ek greed hoti hai, chaah hoti hai kisi ek actor ke saath kaam karne ki, jo aap sochte hain ki, you know, iske saath kaam karne ka mauka milega na, it'll add to you. And for me, like, a huge reason to say yes to a film like Tumhari Sulu, apart from the niceness of the script and the director and the producers, was Vidya. And that's the feeling and the reaction the entire industry and the audiences have towards her. She's very modest. Ab wo na na karke hasegi. Dekh leni. Come on. Okay, what do you have learned from Vidya? Huh? What do you have learned from Vidya? I have learned ki jab aapko kuch achha lage to uski tareef karo. जब आपको कुछ अच्छा ना लगे तो अपना मुंह बंद करके चुप करके एक कोने में जाके स्माइल करो और बोलो ये एसी किधर है मैं जा रही हूँ मेरा बाल का टचअप कर दो आई ऑन द अदर हैंड इफ आई डोंट इफ आई लाइक समथिंग आई विल हैव बडी गुड स्टफ इफ आई डोंट लाइक समथिंग क्यों तुमने ये किया क्यों किया इधर आओ आई विल पुल एवरीवन अप व्हेन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एंड आई थिंक एंड सेकेंडली जितनी पेशेंस विद्या में है किसी में नहीं है एंड ऑफकोर्स द सीरियसनेस एंड हर इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड्स द क्राफ्ट It's amazing. But she turns off. I've not even seen her trying hard, you know. Main ye bhi nahi bol sakti ki bahut hard working hai. Kyunki wo aati hai, hello, hi, coffee lana hai, wala, take, hello. So, you know, she switches very fast, which is... Mera sir itna bada ho gaya. Thank you. Yeah, it was for you. I don't know. I feel very, very grateful ki mujhe alag-alag kirdar nibhane ka mauka... मिला है हर फिल्म के साथ पर मेरे लिए एक्टर के मायने वही हैं मैंने हमेशा से ये कहा है कि यू नो मैं अपने आप को दोहराना नहीं चाहती और जब तक सुरेश त्रिवेणी जैसे राइटर्स हैं डायरेक्टर्स हैं आई थिंक आई एम सेट क्योंकि उन्होंने आज तक किसी ने मुझे इस तरह से इमेजिन नहीं किया था सब संगीन रोल्स देते आ रहे हैं या संगीन फिल्म ना भी हो तो इंटेंसिटी होती है पर इसमें उस तरह की You know, he just thought about me completely differently. And it's great fun. Because har film mein agar aap ek alag kahani, ek alag kirdar pesh kar sake, to ye mazedar hai. And I really think ye meri khushnasi bhi hai, ki jo main chahti hoon, wo hota raha hai. Achha, Vidya ma'am, aap RJ banna chahte is film mein. Sulu jo hai, wo RJ banna chahti. Lekin jab usko pata chalta hai, usko... उसका तो वो किसी को जज नहीं करती तो उसका है कि अच्छा मुझे काम मिल रहा है मैं करूंगी मैंने कभी जिंदगी में काम ही नहीं किया है तो उसका ये नहीं है कि अच्छा ये अच्छा शो वो सुलू उस टाइप की है ही नहीं सुलू किसी के बारे में भी ऐसा नहीं सोचती कि अच्छा है अच्छा नहीं है अपने बारे में भी नहीं सोचती कि अच्छा मैं ये करूँगी तो मुझे कुछ यू नो अर्ली मॉर्निंग शो करना चाहिए लोग कुछ नहीं अच्छा कैसे डील करते हो आप जब मतलब कॉल्स आते हैं लेट नाइट शो में तो कैसा फ्रस्ट्रेशन होता है कैसा वो देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी 17 नवंबर को हंसते हो मतलब लाइक तो एकदम से शॉक हंसी एक बार ओह गॉड विल यू डू द कॉल ऑफ कोर्स हां हेलो हेलो सुलू से कौन बात करना चाहता है सौभाग्य है मुझे करने का मौका मिला बहुत इंटरेस्टिंग फिल्मी कैरियर रहा है विद्या का हम पास से लेकर आप तक और देयर इज अ ट्रेंड गोइंग इन द इंडस्ट्री वेयर बायोपिक हैज बीन मेड अगर विद्या पे बायोपिक बने किस शख्सियत को आप समझती हैं ना वो विल फिट द बिल परफेक्टली टू प्ले विद्या It's kind of hard to say, but agar aaj aap pooche, she'll probably be the only one who'll play her. Thank you. Main nahi chahti koi aur kare. Last question. Main prosthetics use karke main khud kar lungi. Aapne matlab recently Begum Jaan ki suddenly ye role aapne samne matlab angry woman ka jo role tha ekdam middle class. How do you face that thing? Kyunki ye to ek bada
चेंज था? देखिए कभी कभी पब्लिक के लिए भी कि आपको ऐसा देखा है और अभी ऐसा, देखिए एक ही दिन में हम कितने इमोशन से जूझते हैं ना, आप जब उठते हैं आपकी बीवी का चेहरा देखते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं बहुत प्यार महसूस होता है, आप बाइक पे या गाड़ी पे गाड़ी निकाल के घर से बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक है कोई आपकी गाड़ी ठोक देता है आपका मूड खराब हो जाता है। तो उसी तरह एक्टर के लिए यू नो जो सिचुएशन है जो मूड है उसके हिसाब से हम अपने आप को बदलते हैं, ये आसान नहीं होता, पर क्योंकि मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करती हूँ यू नो मैं ये कर पाती हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि साड़ी वाली भाभी प्ले करके आपके ऊपर एक मिडिल क्लास और ऐसा एजेंट हूं? नहीं मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं मिडिल क्लास मतलब मेरी परवरिश बहुत मिडिल क्लास रही है और मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात की कोई मतलब मुझे दिक्कत नहीं है। चलिए थैंक यू, आप सभी साथ में गाना गाते हैं।